महिलाएं चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर कहना चाहिए वर्किंग हो, बाहर काम कर रही हो और उनका काफी बाहर का काम रहता हो, लेकिन हर महिला ये चाहती है कि उसका घर जो है ना तो वो साफ सुथरा रहे, ऑर्गेनाइज रहे और साथ में देखने में वो सुंदर लगे। मतलब थोड़ा बहुत उसको डेकोरेशन भी कर ले, उसको साफ सुथरा रखे, उसको ऑर्गेनाइज रखे, तो ये सभी महिलाएं चाहती हैं। और सभी महिलाओं के अंदर ये कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है कि वो कितना भी बाहर का काम कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन अपने घर को सजाना संवारना, उसको ऑर्गेनाइज रखना, ये काम जरूर करती हैं। किसी भी तरह वो टाइम निकालेंगी लेकिन वो अपना ये काम जरूर करेंगी। तो आज आपके साथ हम कुछ इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं, जो कि हमारे घर को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, साफ सुथरा रख सकती हैं और ज्यादा समय जो है तो हमारा बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरह से आज आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अपने घर को ऑर्गेनाइज कैसे रखें, उसको सुंदर कैसे रखें और ज्यादा जो है तो हमारा समय भी ना लगे जिसमें कि, और जल्दी जल्दी काम भी हो जाए जिसमें कि हम दूसरे काम भी कर सके, अपने लिए समय भी निकाल सके। तो ऐसे ही आपके साथ बहुत छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कि आज हमको कौन कौन सी चीजें जो है तो आपके साथ शेयर करना है। तो चलिए चलते हैं अपने काम की तरफ। ये जो कुछ बैग है ना, ये इस तरह से आपको ये दिखाएं, ये पांच बैग हैं, ये प्लास्टिक के बैग हैं ये, और ये जो है ना, तो जब ये वाले कर्टन आए थे तो इसी में पैक होके आए थे और काफ़ी अच्छे बैग हैं। ये आपको दिखा दें कि ये देखिए, इसमें जिप वगैरह बहुत अच्छे से लगी है इस तरह से, तो इनका भी हम किसी ना किसी तरह से यूज़ कर लेते हैं, जैसे इससे कपड़े वगैरह रख सकते हैं। इधर पर आप क्या करते हैं ना कि अपने कपड़ों को, अपनी साड़ी वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बैग वगैरह मंगाते हैं, ऑर्गेनाइज़र मंगाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि बेडशीट जब हम लेते हैं तो उसमें इस तरह के बैग मिल जाते हैं, या कर्टेन वगैरह, सोफ़ा कवर वगैरह, तो ऐसे बैग जो हैं तो बहुत सारे हमको मिल जाते हैं, तो इनका कुछ इस तरह से यूज़ हम कर सकते हैं। देखिए, और बच्चों के कपड़े जब हम इसमें रखते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब कपड़े निकालते हैं तो उसको एक इधर गिर जाता है, एक उधर गिर जाता है, तो इस तरह से आप सेट करके रख दीजिए उनको, जिस कपड़े की जैसी ज़रूरत होगी तो वो खुद अपने से निकाल के आराम से पहन सकते हैं, फोल्ड करके इसमें वो रख देंगे। तो उनको भी अपने चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इस तरह की ये आदत पड़ जाती है। अब बात करते हैं, जब हम अपने अलमीरा वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उस पर कपड़े वगैरह हैंग करते हैं, तो साड़ी वगैरह क्या होती है कि हैंगर पे से स्लिप हो जाती है और उसको फिर से फोल्ड करना पड़ता है, फिर से उसको हैंग करना पड़ता है, तो दोबारा से उतना ही काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और इस तरह से साड़ी को आपको एक बार फोल्ड करिए और फिर बीच से दोबारा उसके ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, तो इस तरह से आपके अपने साड़ी को हैंग कर दीजिए, ये बिल्कुल भी के हैंगर से स्लिप नहीं होगी। इसी तरह से देखिए, पैंट वगैरह होती हैं, सूट वगैरह होते हैं, तो उनको भी कुछ इस तरह से हैंग करें कि वो स्लिप होके हैंगर से ना निकलें। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसको एक तरफ का पैर का पोर्शन जो है तो उसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और उसके ऊपर रख के दोबारा दूसरे जो है तो उस पोर्शन को उसके ऊपर फोल्ड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पैंट बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी हैंगर में से, और जिस तरह से आप इसको हैंग करके रखेंगे ना अलमीरा में, उसी तरह से ये हैंग रहेगी, दोबारा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये स्लिप होके गिर जाएगी या फिर से उसको हमको फोल्ड करके हैंग करना है। रूम का जब डेकोरेशन करते हैं, किसी भी रूम का, चाहे वो कोई भी रूम हो, तो कहीं ना कहीं ग्रीनरी जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि उससे जो हमारा रूम है ना तो काफी अच्छा लगने लगता है। इस तरह से ये हमारी जो है तो इधर पर ग्रीनरी हमने ऐड की हुई है, ये देखिए प्लांटर में इस तरह से ये मनी प्लांट वगैरह हमने ऐड किए हैं, और ग्रीनरी से क्या है कि डेकोरेशन काफी अच्छा लगने लगता है। तो जब हम प्लांट अपने कमरे के अंदर लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे उसका पानी बाहर निकल आना या मिट्टी बाहर निकल आना, तो वो एरिया खराब हो जाता है, जिसके कारण कि हमको अलग से समय उसको क्लीन करने के लिए देना होता है। तो इसमें हमको क्या करना है, देखिए कि कुछ इस तरह के जो फूड कंटेनर आते हैं ना, ये देखिए इस तरह के, तो इनका अब आप कहेंगे कि फूड कंटेनर और प्लांट से क्या मतलब है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसका ये हम जो ऊपर का ढक्कन रहता है ना, तो इसको निकालेंगे। ये पहली चीज तो ट्रांसपेरेंट होते हैं देखिए, और यदि ये नहीं है तो
आपके घर में इस तरह से प्लेट वगैरह जो खराब हो जाते हैं जिनको हम यूज नहीं लेते, तो उनका भी यूज कर सकते हैं। देखिए इधर पर यदि आप नीचे बिना कुछ रखे हुए प्लांटर को रख देते हैं ना, तो उस जगह पर इस तरह से उससे जब हम पानी डालते हैं तो वो इस तरह से या तो पानी नीचे आ जाता है या उसके साथ कभी कभी मिट्टी भी आ जाती है, तो हमको क्या करना होता है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम देके और क्लीन करना होता है। तो इस तरह से क्या करना है कि आप या तो कंटेनर के जो ढक्कन वगैरह हैं उनको नीचे रख दीजिए, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। और यदि आप चाहें तो आपकी जो किचन की प्लेट वगैरह जो हैं ख़राब हो जाती हैं, तो उनको भी इस तरह से नीचे आप रख सकते हैं। और साथ में जब हम इधर पर क्लीन करते हैं ना, तो देखिए ये प्लांट को आप प्लेट पे रख दीजिए और इसे आप पानी देंगे या कुछ भी होगा तो मिट्टी वगैरह या पानी नीचे नहीं आएगा। और जब हमको इस जगह की क्लीनिंग करनी होगी तो देखिए इस प्लेट को आप इस तरह से सरका दीजिए और फटाफट से अपने उस जगह को क्लीन कर सकते हैं, तो उसमें आपका समय जो है तो वो बर्बाद नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे DIY वगैरह जो करते हैं या फिर क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, तो उनके पास बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि उनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और देखिए ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं जैसे कुंदन हुए, स्टोन हुए, क्राफ्ट मिरर वगैरह हुए, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रहती हैं जो बच जाती हैं या थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लेके आते हैं तो वो पॉलीथीन में रहती हैं, फट जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, उनको अलग करना, उनको अच्छे से रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये एक्रेलिक जो कलर आता है ना, तो उसकी शीशियों को हम कभी भी नहीं फेंकते हैं, या तो उसे कुछ DIY कर लेते हैं या इस तरह से छोटे छोटे जो सामान होते हैं ना तो उनको इस तरह से हम उसमें ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं। और जो भी बहुत सारे प्लास्टिक के जो बॉक्स होते हैं इस तरह के, आइसक्रीम के हुए या फिर स्वीट वगैरह के हुए, तो उसमें कुछ इस तरह से हम करके रख देते हैं, जब हमको ज़रूरत होती है तो हमको ये आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद बात आती है कि देखिए बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि पुराना हो जाता है और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है काफ़ी साल पुराने हैं और ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और सचमुच इनको देखने में लगता था कि बिल्कुल इनका यूज़ ना करें। लेकिन ऐसे सामानों को भी आप बिल्कुल ना फेंकिए, क्योंकि देखिए वैसे तो ये काफ़ी अच्छे हैं, बस इनका कलर भर ख़राब लग रहा है। तो इनको कुछ इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं, इस पर कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, इनको कुछ नया लुक दे सकते हैं, जिसके कारण कि ये फिर से हम उनको उसी तरह से यूज़ करें और साथ में हमारे लिए ये बिल्कुल नए भी हो जाएं। क्योंकि देखिए पहली चीज़ पुरानी चीज़ों को देखते देखते बोर भी हो जाते हैं, तो इस तरह से आप पुरानी चीज़ों को बिल्कुल नया भी बना सकते हैं। चाहते हैं कि आपका घर ऑर्गेनाइज रहे और सुंदर रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर से ही सामान खरीद के लाएं, आप घर पे भी ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि जैसे कि आपको घर के डेकोरेशन के लिए फ्लावर वास वगैरह बनाना है, तो कुछ इस तरह से आप प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, कोई कंटेनर ले लीजिए, किचन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं, तो उनको इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं और इनसे आप घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से देखिए ये भी हमारा DIY किया हुआ है, और ये जो है ना तो फूटे कप से हमने बनाया था, तो इसमें कुछ इस तरह से आप डेकोरेशन अपने घर में कर सकती हैं। साथ में बहुत सारे कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं जिनसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकती हैं। और इस तरह से देखिए ये छोटी छोटी मटकियां वगैरह हैं, तो इनको फ्लावर वास की तरह, प्लांटर या फिर बच्चों की स्टडी टेबल पर आप इसे पेंसिल, रबर और साथ में शॉर्पनर वगैरह रख के रख देंगे ना, तो बच्चे खुश भी हो जाएंगे और सुंदर भी लगेंगे। और देखिए बिल्कुल आप अपने घर पे ही इसको बना सकते हैं, बड़े क्यूट से प्लांटर वगैरह हैं ये। इस तरह ये हमने गोलक बच्चों ने फोड़ी थी, तो उससे हमने ये बनाया था, और इसको आप प्लांटर की तरह यूज़ कर लीजिए या फिर इसको भी आप ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्यूट क्यूट से आप ऑर्गेनाइजर इस तरह से बना सकते हैं, प्लांटर बना सकते हैं, तो कम बजट में आप अपने घर को सजा संवार सकते हैं। और साथ में तो चलिए हर बार की तरह अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू।